So now let us start again. Let us continue chapter number first of geography, that is resource and development. And in this chapter, अब हम आगे देखते हैं. कल तक हमने लैंड यूज पैटर्न देख लिया था. लैंड यूटिलाइजेशन हमने कल तक लैंड यूटिलाइजेशन वाली चीजें देख ली थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच आर आफ्टर दैट. Yesterday we discussed about fallow land. There is a correction in that. Fallow land is basically, well, how can you define a fallow land? Basically, fallow land is the land जो कि क्या होती है, एक साल तक कल्टीवेट ना हो. इट इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन ईयर. सो बेसिक द मेन पॉइंट इज लैंड विदाउट कल्टीवेशन. फॉर वन ईयर. दिस इज द बेसिक पॉइंट विच इज विच मेक द लैंड अ फैलो लैंड. मतलब ऐसी जमीन जो कि विदाउट कल्टीवेशन, जो कि विदाउट कल्टीवेशन एक साल तक छोड़ दी जाती है, यू कैन से दैट पर्टिकुलर लैंड इज फैलो लैंड. विदाउट कल्टीवेशन मतलब कि वहां पर खेती हो सकती है, बट वहां पर खेती नहीं की जा रही है बिकॉज ऑफ सम रीजन. इट इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन ईयर. तो उसको क्या कहा जाता है, वन और लेस देन वन ईयर, एक साल से ज्यादा नहीं, उसको क्या कहा जाता है, फैलो लैंड. And why do we do this? What is the reason to make a land a fallow land? To increase the fertility. In simple words, you can say to increase the fertility of any land, people make it a fallow land. मतलब एक साल तक क्या करते हैं? They left it without cultivation for one or less than one. Okay. Now we are moving towards the another topic. Give me a minute. Okay, now we are going to discuss now total geographical area of India is 3.28 million square kilometers. Dhyan rakhna, the measurement of India 3.28 million square kilometers. In India, land use data is available for 93% of total area because land use reporting of northeastern states except Assam and some parts of Jammu Kashmir has not been surveyed. यहाँ पर any problem? यहाँ पर तो अब हम क्या करते हैं, केवल 93% का इंडिया का जो पोर्शन है उसी को मेजर किया हुआ है, यहाँ पर सर्वे किया हुआ है, बचा हुआ जो पोर्शन है जैसे कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एक्सेप्ट आसाम, उनको सर्वे नहीं कर पाए गए, और कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर का लाइक पीओके, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर. देन बिटवीन 1960 टू 61 एंड 2008 टू 9 मेजर चेंजेस टू प्लेस इन लैंड यूज पैटर्न. अब 1960 से लगा के और यू कैन से 2008-9 तक मेनली जो लैंड यूज पैटर्न था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. हाउ? Area under forest is far less than 33%, which is necessary for maintenance of ecological balance as per the National Forest Policy of 1952. National Forest Policy of 1952 के according at least हमारे country में 33% के forest होना जरूरी है. क्यों? ताकि ecological balance बनाया जा सके या फिर बना रहे. The land under permanent pasture is very low and still decreasing. And ऐसी जमीन है जहां पर क्या है, पास्चर ग्रासलैंड वो बहुत कम है और अभी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वो घटते चले जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलोज आर पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ सच कल्टीवेशन इज वेरी हाई. दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 years and if these are included in the net zone area, the NSA will become 54%. और अब क्या है, What happened? Now, अब अगर करंट फैलो को छोड़ दे तो फिर भी क्या है, बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि
अदर देन करंट फेलो में जा रहा है, इट मींस मोर देन 1 ईयर के लिए उसको क्या किया जा रहा है, कल्टीवेशन के बिना छोड़ दिया गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेट सोन एरिया है वो कहीं ना कहीं उसका रेशो कम आता है, अदरवाइज नेट सोन एरिया जो है वो क्या होता है उसका बहुत ज्यादा उसकी लेंथ कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी नेट सोन एरिया की। अब अगर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज नेट सोन एरिया, हु कैन से, आई एम आस्किंग व्हाट डू यू नो अबाउट नेट सोन एरिया। So basically net zone area is the area sown once in a year. Sown मतलब वहाँ पे बुआई बोए जाते हैं, seed sow करते हैं। So the area which is sown once in a year, it is net zone area. और जिसको एक साल से ज़्यादा छोड़ देते हैं वो बार। तो फिर वो another year में count हो जाएगा। छोड़ना नहीं है यहाँ पर net zone area, it means the area which is sown in the year, एक साल में जितने एरिया को मैं बुआई की है वो नेट सोन एरिया में आ जाएगा, और अब एक साल कंप्लीट होने के बाद जो दूसरे नेट सोन एरिया लाइक दूसरे ईयर के नेट सोन एरिया में जाएगा। नहीं मतलब उसको बिना कल्टीवेशन के छोड़ दिया है तो फिर वो फेलो लाइन में चला जाएगा, वो नेट सोन एरिया में काउंट नहीं होगा। बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट एंड यू स्टॉप वर्किंग। हां मैंने वो बात वर्किंग This is not the time to make the project. Current fellow or fellow में क्या difference? Fellow means less than one or less than 1 year, and other than current fellow means more than 1 year. So other than current fellow या other than fellow? The next one is net zone area in different states. Now the pattern of net zone area varies widely between different states. अब no doubt जो net zone area है वो क्या होता है अलग अलग states के लिए अलग अलग हो सकता है, because कुछ states में ज़्यादा seeds सो किए, कुछ states में सोन इतना area covered नहीं हो पाए। Now it is over 80% in Punjab and Haryana due to intensive agricultural facilities. It is less than 10% in Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Andaman Nicobar and many other states occupy this place. Now बहुत सारे ऐसे states हैं जहाँ पर क्या होता है ज्यादातर area क्या होता है cultivated होता है, क्योंकि वहाँ पर सारे resources available है, water availability सही है। For example पंजाब में हरियाणा कि जो farmers law है उसके against भी केवल दो ही states के mainly farmers protest कर रहे हैं, जहाँ पर क्या होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा cultivation होता है पंजाब एंड हरियाणा, तो वहाँ पर लगभग 80% जो एरिया है वो नेट सोन एरिया में काउंट होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट सम स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, देन मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर केवल 10% ही ऐसा एरिया होता है जो नेट सोन एरिया में काउंट होता है, मतलब वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत कम वो यूज कर पाए। देर आर मेनी रीजन, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फॉरेस्ट से रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी। Next one, next topic which we are going to discuss is land degradation. The next topic is land degradation. डिग्रेडेशन ये हम 6th या 7th से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ कैन एनीवन से व्हाट डू यू मीन बाय लैंड डिग्रेडेशन? लैंड को डैमेज कर, द क्वालिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस, जहां पर फर्टिलिटी जो है लैंड की वो धीरे-धीरे क्या हो जाए कम होती चली जाए, उसको हम क्या कहते हैं डिग्रेडेशन। सो रेंडरिंग द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि धीरे-धीरे जो कल्टीवेशन होता है उसके लिए वो जमीन जो है क्या वो अनफिट हो, फिट नहीं बचे, उसकी फर्टिलिटी धीरे-धीरे क्वालिटी क्या हो जाए खत्म हो जाए, उसको क्या कहा गया है, दिस इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस। सो हियर यू कैन सी डिग्रीज in the quality of land. Which makes it unfit for cultivation. Wait a minute.
when slowly and gradually the quality of land decreases and ultimately it becomes unfit for the cultivation. खेती वहाँ पर नहीं की जा सकती because fertility धीरे धीरे क्या होगी खत्म होगी. This is known as land degradation. Now let us discuss more about it. Human activities have degraded lands and also increased the path of damage to lands close by natural forces. Wastelands are degraded lands. There include rocky, barren, arid and desert areas. Currently, India has about 130 million hectares of wasteland. अब wasteland क्या होती है भाई? Degraded land जो है उसको wasteland भी यहाँ पर कहा जा सकता है. So basically धीरे धीरे ये wasteland का जो area है वो बढ़ता चला जा रहा है. You can see somewhere around you also जब जब क्या होने लग जाता है. We have some plants like अकाओ, एक जो अकाओ होता है. Then एक धतूरा वाला भी होता है. तो जब ये प्लांट्स धीरे धीरे कहीं पर बढ़ने लग जाए इट मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड डेजर्टिफिकेशन. हम लोग रेगिस्तान मतलब वो जो फर्टिलिटी है लैंड की वो धीरे धीरे घटती जा रही है. ये जो प्लांट जब जब ग्रो करने लगे ज्यादा क्वांटिटी में तो ये एक साइन होता है. लैंड स्लाइड मीन्स भूस्खलन. जब वो पूरा लाइक ग्लेशियर टूटा वैसे जब पहाड़ के बहुत बड़े बड़े पार्ट टूट के गिरने लगे जैसे स्लाइडिंग. स्लाइड मतलब वो फिसलन वाला जो होता है उसको हम स्लाइड कहते हैं. एंड व्हाट डू व्हाट वाज द नेक्स्ट? डिग्रेडेशन मींस क्वालिटी घट रही थी उसकी फर्टिलिटी खत्म हो रही जमीन. तो धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है हमारी जो लैंड है वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट होती चली जा रही है. इट मीन्स उसकी फर्टिलिटी कम होती चली जा रही है. इट मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस एंड ह्यूमन मेड रीजंस आर आल्सो देयर मैन मेड रीजंस. सर वेस्ट लैंड और बेल्ट लैंड में कुछ है क्या? वेस्ट लैंड और बेल्ट लैंड नो. यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप वो किस बेस पे कैटेगराइज कर रहे हो. बेसिकली दोनों का वही है कि दे आर अनफिट फॉर कल्टीवेशन. देयर इज नथिंग लाइक बैड लैंड. आपने बताया वेस्ट बोले. ओके द नेक्स्ट वन. इट कंप्राइजेस 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, 56% इज वाटर इरोडेड, 10% इज विंड इरोडेड एंड रेस्ट 6% इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट. अब डिग्रेडेशन के मेन मेन अगर हम नेचुरल फोर्सेस की बात करें तो कौन कौन से रीजन से देखते हैं. 56% बात करें कि जो जितनी भी डिग्रेडेड लैंड है 56% वो क्यों हुई है? क्योंकि वहां पर वाटर इरोड है. वाटर की वजह से इरोजन हो गया. मतलब जब अपर मोस्ट लेयर सॉइल की क्या हो जाए पानी की वजह से बह जाए फर्टाइल एलिमेंट्स बह जाए. जब वो फर्टाइल एलिमेंट्स बह जाएंगे पानी की वजह से आकाश जावर स्टैंड अप एंड गो एंड सिट एट द बेंच बेंच गो एंड योर नेम एंड एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड. Every parent will see this. The next one, 10% is wind eroded, means 10% will be eroded by wind. मतलब क्या हो रहा है जब dry area होता है जहां पर क्या होता है wind जब अपने force से चलती है तो fertile elements जो होते हैं soil के या soil जो होती है वो भी क्या होने लग जाती है wind के साथ में कहीं और उड़ के जाने लग जाती है. It is also the reason of wind erosion. Then many more reasons are there. For example, 6% is affected by alkaline and saline. Saline means जो salty water होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है जो soil की fertility वो कम हो जाती है क्योंकि वो दूसरे elements को क्या कर देता है खत्म कर देता है. तो कौन salty water और salty elements तो उसकी वजह से भी क्या होता है जो है उसकी fertility धीरे धीरे घट जाती है और ये degradation की तरफ बढ़ती चली जाती है. नेक्स्ट देखते हैं हम डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग एंड क्वारिंग फैक्टर्स लाइक विंड एंड वाटर कॉज इरोजन ऑफ टॉप सॉइल. अब सॉइल इरोजन भी आ गया है. व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन? ऊपर की फर्टाइल व्हेन द अपर मोस्ट लेयर व्हिच इज फर्टाइल इट फ्लो अवे और यू कैन से वो वहां से हटने लग जाए. इट मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड वाटर. तो क्या होने लग जाता है सॉइल इरोजन होता है. तो अब ये सब जो चीजें हैं उसकी वजह से क्या होता है डिग्रेडेशन की तरफ मूव करते हैं. बिसाइड नेचुरल फैक्टर्स लाइक विंड एंड वाटर कॉज इरोजन ऑफ टॉप सॉइल लीडिंग लैंड डिग्रेडेशन. मेनली जो है विंड और वाटर ही इसका मेन कॉज है.
उसके अलावा अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी बात करें जिससे कि इरोजन या फिर डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो माइनिंग है सबसे बड़ा। माइनिंग मतलब जो खदानों के लिए खुदाई होती चली जाती है, जस्ट लाइक रेत के लिए भी हमारे एरिया में देखे तो मेनली सैंड रेत के लिए होती है। नर्मदा के जो बैंक्स है, ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, आप देखोगे कितने बड़े लेवल पर किसी भी नदी के बैंक पे आप देखोगे कि खुदाई चल रही है, वो रेत ही वहां से निकालते जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन और इरोजन होते चला जा रहा है। द नेक्स्ट वन, मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड कैल्शियम एंड सॉपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट। अब सीमेंट या फिर सैंड, इन सब की प्रोसेसिंग जहाँ पर होती है उससे भी क्या होता है, बहुत बड़े अमाउंट में डस्ट बनता चला जाता है। इवन जहाँ पर थर्मल प्लांट्स भी होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थर्मल एनर्जी, वहां पर भी क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर डस्ट और एक जिसको हम हिंदी में ऐश राख बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा पोर्शन क्या होता है, हवा में उड़ता चला जाता है और फाइनली इट सेटल डाउन ऑन द लेयर ऑफ सॉइल। तो वो जब सॉइल के ऊपर ऐसा जमता चला जाता है तो उससे क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, फाइनली वो सेटल डाउन होता है। नेक्स्ट वन, इट अल्टीमेटली सेटल डाउन ऑन द लैंड रिटार्डिंग वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट हैव कॉज्ड लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी एरिया। तो उसकी वजह से क्या होता चला जाता है, वो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन और पेनिट्रेशन भी कम कर देता है। वो जब लेयर पूरी बन जाती है एक सॉइल के ऊपर ऐश की या डस्ट की, तो क्या करता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन रोक देता है। अब हम देखते हैं सम कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड द स्टेट्स अफेक्टेड बाय देम। माइनिंग इज द फर्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। नाउ विच स्टेट्स आर मेनली अफेक्टेड बाय, जहां पर मिनरल्स होंगे वहीं पर माइनिंग होगी ज्यादा, तो मिनरल्स मेनली यस्टरडे आई टोल्ड यू सम स्टेट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिकॉज ये सब क्या है, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है ये सारे स्टेट, एंड डेक्कन प्लेट्यू इज मेनली फेमस फॉर मिनरल एंड रिसोर्सेज, इसीलिए इन स्टेट्स में माइनिंग बड़े लेवल पर होती है। बिकॉज ऑफ दैट दीज स्टेट्स सफर फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ ओवर इरीगेशन बोलो, क्योंकि इरीगेशन तो हर जगह ही होता है, तो इरीगेशन से अल्टीमेटली वी आर डूइंग फॉर वाटरिंग द प्लांट, बट When over irrigation occurs, for example, ज्यादा बारिश होगी या फिर फोर्स के साथ वाटर छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की उसको बहा के लेके चला जाएगा। Now the states which are affected by over irrigation. पंजाब, हरियाणा, वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज गुड, जहाँ पर ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी है ऑफ कोर्स वही स्टेट्स इससे सफर करेंगे, क्योंकि ज्यादा बहुत सारे तो ऐसे स्टेट्स हैं वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर, सो दे विल नॉट बी गोइंग टू सफर फ्रॉम ओवर इरिगेशन, बट मेनली स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हिमालयन रिवर्स होती है, गंगा यमुना ये सब, तो वहाँ पर क्या होता है, ओवर इरिगेशन की वजह से भी जो सॉइल की फर्टाइल लेयर है वो बह जाती है। इरिगेशन का करो तो रेनफॉल हो गई, बिकॉज ऑफ रिवर वाटर्स और जो लाइक मैनमेड इरिगेशन होता है, आर्टिफिशियल इरिगेशन, नॉट बिकॉज ऑफ रेन, और रेन की वजह से भी होता है कभी कभी, इट इज ओनली इन द सीजन ऑफ रेनफॉल, रेनी सीजन में ही होता है। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग, ग्रेजिंग मींस व्हेन कैटल ईट सम ग्रास और
देयर बेवरेजेस फ्रॉम द लैंड. तो वो जो जगह होती है वहाँ पर क्या होता है, वो ज्यादा लेवल पर ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर लेते हैं, ग्रेजिंग वाली जो एक्टिविटी वो कर लेते हैं चरने वाली, और उससे क्या हो जाता है वो फर्टाइल लेयर धीरे धीरे क्या होती चली जाती, टूटती चली जाती. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनी अदर फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज कैसे हो सकते हैं, आइदर दे आर डिसॉल्विंग, आइदर दे आर लेटिंग गो सम टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट बेनिफिशियल और विच आर हार्मफुल फॉर द लैंड. फॉर एग्जाम्पल जो लिक्विड वेस्ट होता है वो क्या करते हैं, कई बार भी आसपास के एरिया में वो उसको छोड़ देते हैं, उसकी वजह से क्या होने लग जाता है, वो जमीन धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाती है. और बिकॉज ऑफ डस्ट और एशेज जो कि उड़ते हुए जमीन पर सेटल हो जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, लैंड की क्वालिटी को खराब करते हैं. सो दीज फोर आर यू कैन से द मेन कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी मोर पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल डीफॉरेस्टेशन, जब जंगल और पेड़ भी धीरे धीरे कटते चले जाएंगे तो क्या होगा, बाकी वो होल्ड कर जो रूट होल्ड करती है सॉइल को वो नहीं करेगी और वो क्या हो जाएगा, बह जाएगी. तो यू कैन से deforestation is also a reason for land degradation. अब इसके solution क्या है? What are the solution? Now we are moving towards erosion. First of all, let us discuss about degradation. We'll discuss that. We will discuss that. पीछे से जाओ. Okay, now. Now, how can we reduce soil degradation or land degradation? We will discuss about soil erosion. Wait a minute. First of all, we have to simply write the opposite of these points. इसके opposite लिख दोगे तो आपका वो क्या बन जाएगी? इसके solution बन जाएगी. For example. By controlling the mining activities or by regulating the mining activities. Regulation means rules regulation according to which only limited amount of mining will be there. So, ho sakta hai. Over irrigation ko kaise control kiya ja sakta hai? By having a limited amount of irrigation or by providing a limited amount of water to the plants or farm area. Then, overgrazing. Overgrazing को कैसे हम कर सकते हैं? Control by controlling the cattle. Then factories और industries. तो factories और industries के लिए एक proper management बनाया जाए, जिससे क्या हो उनका जो dust या फिर जो भी ऐसा कचरा है जो कि क्या waste जो क्या करता है जमीन को quality को खत्म करता है, उसको क्या किया जाए, एक proper treatment हो उस waste का. तो यहाँ पर ये होना पार्शियल लैंड है, इट डजंट मीन कि ओवरग्रेजिंग नहीं होगी. दे कैन ग्रेज इन फील्ड, दे कैन ग्रेज एनीवेयर फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर भी वो कर सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज नीडेड दैट पर्टिकुलर पार्शियल एरिया शुड बी देयर जहाँ पर वो क्या करते हैं ग्रेजिंग एक्टिविटीज कर. नेक्स्ट वन वाज डीफॉरेस्टेशन का एफॉरेस्टेशन. तो जो क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाए जाए, प्लांट्स लगाए जाए, जिससे क्या हो सके डिग्रेडेशन वाली एक्टिविटीज कंट्रोल हो सके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉइल्स, जहां पर आपका सॉइल इरोजन ये सब आए. फॉर दैट यू नीड टू हैव पेशेंस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉइल. बागीचा महाजन about soil as a resource. First of all, we will see the classification. After that, we will see its erosion set up.
ओके Soil is the most important renewable natural resource, but it takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. Now we see that it is provided by nature. जो भी हमको natural resources मिलते हैं, we don't care for them. Water, for example. सब ऐसे बात हैं, जैसे कि अभी बन जाएगा, फिर से renew हो जाएगा. Soil is also one of them. Now soil में क्या होता है? It takes millions of years to create a like few centimeter or few millimeters of the layer of soil. पर उसको भी लोग इतना ज़्यादा importance नहीं देते, because it is provided by freely by the nature. जो भी चीज़ आपको free में मिलती है, we don't value that. Next one, the important factors in the soil formation are relief, parent rock, climate, vegetation, and many more. Now सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नो डाउट. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैरेंट रॉक, जहाँ से वो सॉइल बनती कैसे, बाय द रॉक्स. वो रॉक्स क्या होता है, धीरे धीरे टूटती चली जाती है चट्टान, और वो दे कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म द सॉइल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वालिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द पैरेंट रॉक, देन क्लाइमेटिक कंडीशन में रेनफॉल वगैरह भी आ गई, टेम्परेचर भी आ गया. अपार्ट फ्रॉम दैट वेजिटेशन एंड ऑल, तो ये सारी चीजें क्या करती है, डिपेंड करती है सॉइल की क्वालिटी पे और सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे. फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन द टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज, डीकम्पोजर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सॉइल फॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेनी मोर फैक्टर्स जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल की क्वालिटी पे असर पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, विंड, ग्लेशियर्स एक्टिविटीज एंड मेनी मोर नेचुरल एक्टिविटीज. वो रीजन तो कैसे डिपेंड करेगा उस रीजन पे, कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है उस रीजन पे. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बात करें, दे हैव एरिड सोइल. वो एरिड सोइल मतलब डेजर्ट वाली, एकदम ड्राई वाली सोइल. ऐसा क्यों है? बिकॉज वहाँ रेनफॉल नहीं होती, बिकॉज दे हैव हाई टेम्परेचर. सो दीज आर मेनी मेनी सम ऑफ द रीजन यू कैन से विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. नाउ Let us see the classification of soil. After that, we will move towards the soil erosion effect. First classification is alluvial soil. Those who are doing other work or talking, get ready for the question. Let us see the first type of soil, that is alluvial soil. This is the most widespread soil in India, which has been deposited by three important Himalayan rivers, mainly alluvial soil river, जहाँ पर ये rivers या उनके banks वाले areas में ही states में ही पाई जाती है. For example, Himalayan rivers वाला area. अब Himalayan rivers में कौन-कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना. तो ये सब जो rivers हैं, वो they ultimately bring the soil particles that clay particles with them, और क्या करती है, अपने banks पर deposit करती चली जाती है, and उसकी वजह से क्या होता है, alluvial soil form होती चली जाती है. The Indus, Ganga, Brahmaputra covering 45.6% of the area, और उस area में लगभग 45.6% area को cover करते हुए वहाँ पर पूरा alluvial soil वो बिछा देती है. Due to high fertility areas having this soil are intensively cultivated and densely populated. और because ये बहुत ज़्यादा fertile होती है alluvial soil, that is why इसके आसपास वाला जो भी area है वो क्या होता है, ज़्यादा cultivated है और ज़्यादा fertile भी. Fertile है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा cultivation हो पा रहा है. Now some, let us see some of the features of alluvial soil. This soil is mostly found in the river valleys of Northern Plain. No doubt, जहाँ पर हिमालयन रिवर से वहाँ पर अगर मिल रही है, तो Northern Plain वाले एरिया जो है, जहाँ पर like उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, all these regions are irrigated by the Himalayan rivers. तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये mainly areas fertile भी है, and secondly most cultivated और densely populated भी है because of agriculture.
नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस दिस ऑल्सो कुछ अलग अलग रिवर्स भी है, नॉट ओनली हिमालयन रिवर्स, सम अदर रिवर्स आर ऑल्सो देयर विच कॉन्ट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल. Now which rivers? Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. This region, this belt is also famous for alluvial soil. South में. Not only northern plain, कुछ ऐसा area southern portion में भी आता है. See in the book. I think you will see the portion of alluvial soil. If you have the book, see in that. You can see the portion covered by alluvial soil. उसमें soil के base पर आपको map में दिखाई देगा that which parts are there. पेज नंबर 9 पेज नंबर 9 ओके द नेक्स्ट वन सो लेट अस राइट विच एरिया फॉर डिफाइनिंग फॉर गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सॉइल आप अलग अलग पैरामीटर्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहला हो गया रीजन, कौन कौन से रीजन में मिलती हो. देन सेकेंड उसके एलिमेंट्स, वो कौन कौन से एलिमेंट्स है जो उसको क्या बनाते हैं, फर्टाइल या इनफर्टाइल जो भी बना रहे किसी भी सॉइल को. तो सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट एन एलिमेंट. इन दिस वे यू कैन राइट द पैरामीटर, जिसको पैरामीटर्स को पढ़ते से ही जो द पर्सन हु इज इवैल्यूएटिंग जो चेक कर रहा है उसको लगेगा कि आपने सही तरीके से कैटेगराइज किया है सॉइल को, तो दे विल गिव गुड मार्क्स. अब जितने हैं उतने ही देगा, पांच में से छह तो नहीं देगा, बट दे विल गिव एटलीस्ट गुड मार्क्स यू कैन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन, तो नदर प्लेन्स द रीजन ऑफ नदर प्लेन अपार्ट फ्रॉम दिस सम रीजन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स and coastal area. The region covered by peninsular rivers and some parts of coastal plain. Next one, elements. The elements which make it more fertile. एल्यूवियल सॉइल कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, सिल्ट सैंड क्ले विच आर रिच इन पोटैश फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. इट इज ओके इट इज सुइटेबल फॉर ग्रोइंग पेडी व्हीट शुगर कैन एंड अदर सीरियल. नाउ एलिमेंट्स द नेक्स्ट पैरामीटर यू कैन राइट हियर इज एलिमेंट्स. आप ऐसे पैरामीटर्स डालकर किसी की कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, इट विल बी गुड. तो एलिमेंट्स कौन कौन से, पोटैश फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बीच जिससे क्या होता है, वेरी फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट, जिसकी वजह से क्या होता है इसको फर्टिलिटी और ज्यादा मिलती है. नाउ विच काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, तो वो भी आप एक बना सकते हैं पॉइंट. क्रॉप पैडी मतलब धान, धान वी एंड मेनी मोर पल्सेस दाने. दीज आर द फ्यू क्रॉप, फ्यू नहीं है वैसे तो बहुत है, विच आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ एल्यूवियल सॉइल. नाउ इट हैज कैटेगराइजेशन Now it has categorization also, मतलब कि ये दो category में बटी हुई है. Now how can you categorize alluvial soil? First one, bangar and khadar. Okay, we will continue with the same thing tomorrow, bangar and khadar.